कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म तेरा अपना कर्म। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बैतुल चालन के आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले की वीडियोज में आप लोगों ने 6 प्रश्न तक हल कर लिया है और कुमार मित्तल की किताब के सारे नमेरिकल एक तरफ से करा रहे हैं और NCERT के पैटर्न की सवाले भी इसमें पैकेज में है, वो भी कराते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 से आज से स्टार्ट होता है, पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। हाइड्रोजन प्रमाण में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6×10^15 चक्कर लगाता है, वृत्ति पथ में धारा का मान क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जरा। इलेक्ट्रॉन चर्चा कर रहा है, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर कर रहा है। तो देखो, अगर अभी एक इलेक्ट्रॉन है तो एक चक्कर लगाएगा तो आवेश कितना होगा? 1E। दो चक्कर लगाएगा तो आवेश 2E। 10 चक्कर लगाएगा तो आवेश 1E। तो यहां दिया है 6×10^15 चक्कर लगा रहा है, तो इसलिए आवेश Q बराबर 6×10^15 × E, ये आवेश हो गया। प्रति सेकंड लगा रहा है T बराबर 1 सेकंड। साथियों, 6×10^15 इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.6×10^-19। इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का मान 1.6×10^-19 होता है, तो इसलिए 1.6×10^-19 राइट कर दिए। और अब आगे देखते हैं, हमसे पूछ रहा है वृत्ति पथ में प्राप्त धारा, धारा आई कर इसका पूरा कर दीजिए, 16 चक्कर छाड़ दे और ये 15×19 गए 4 कूलाम। धारा आई बराबर, प्यारे बच्चों, आई बराबर Q/T। सूत्र याद रहे तो सवाल जल्दी लग जाएगी। क्यू का मान यहाँ गौर से देखिए, 9.6×10^-4 टी का मान 1, तो हल करने पर 9.6×10^-4 एम्पियर धारा का मान आ गया और बहुत ही सरल प्रश्न था। प्रश्न नंबर 8, तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर है, प्रति घन मीटर 2.5×10^24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, 2 एम्पियर की धारा है, इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन वेग बताओ। प्यारे बच्चों, जो जो दिया है राइट कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है। जो जो दिया हुआ है सब हम लिखा पढ़ी कर दे रहे हैं, ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा प्लीज। परिच्छेद क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर, तो परिच्छेद क्षेत्रफल A से लिखेंगे 1 वर्ग मिलीमीटर, मतलब 1×10^-7 वर्ग मीटर, ये परिच्छेद क्षेत्रफल है। और कह रहा है कि प्रति घन मीटर आयतन में, आपको बताए हुए हैं ये एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे स्मॉल n से लिखते हैं अनुगमन वेग के केस में। तो यहाँ पर बेटा 2.5×10^24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, n बराबर 2.5×10^24 प्रति घन मीटर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अगर घन मीटर ना दिया रहेगा तो घन मीटर में निकालेंगे, n हमेशा एकांक आयतन में होना चाहिए। अनुगमन वेग की गणना करो, प्यारे बच्चों हमसे अनुगमन वेग बताना है। याद करिए, हमने सीरियल से सूत्र बताए थे, सीरियल से सवाले भी मिल रही हैं। अभी तक IQT और INET पर सवाले थे, अब अनुगमन वेग वाली सवाले आ गई। याद करो सूत्र क्या बताए हैं, BD = I/ANT। बार बोला बताए तो रखते भाई, चलो देखो बच्चों आई का वैल्यू, हाँ दिया है सवाल में, हमने पढ़ा नहीं, आई 2 एम्पियर दे रहा है, कह रहा है कि परिपथ में 2 एम्पियर की धारा है, तो 2/A का वैल्यू 1×10^-4
एन का वैल्यू 2.5 × 10^24, ई का वैल्यू 1.6 × 10^-, कैलकुलेशन करेंगे प्यारे साथियों और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए जरा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में 2/, आवाज नहीं, 16/25 में 400, 16/25 में 4.00, 10 की घात सेट करो, 19/6, 25/24 गए, माइनस 1 ऊपर गए, 4×5 = 20, तो 5 मीटर/सेकंड, क्योंकि बच्चों अनुगमन वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड में होता है। अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, 0.5 मीटर मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4×10^28 प्रति घन मीटर हो तो अनुगमन वेग बताओ। तो प्यारे साथियों जो जो दिया है उसको हम राइट करते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 9 में जो जो कुछ दिया हुआ है उसको लिख दे रहे हैं। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या, याद करके त्रिज्या 0.5 मिलीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 0.5×10^-3 मीटर। जो दिया है राइट करते हैं कि एक तार में 0.5 एम्पीयर की धारा है। प्यारे साथियों I = 0.5 एम्पीयर कह रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, सवाल कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन 4×10^28 प्रति घन मीटर है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4×10^28 प्रति घन मीटर दिया हुआ है। और आगे बढ़िए बेटा, अनुगमन वेग बताइए, इसी सवाल की सगी बहन है, अनुगमन वेग बताना है। तो देखो जरा अनुगमन वेग बताना है, दोनों सवाले सवाले मतलब जो है आपकी 8वीं और 9वीं सवाल सेम प्रोसेस पर है। तो चलते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अनुगमन वेग जैसा कि सूत्र अभी आपके सामने हमने रखा था AN, उसी फार्मूले का खूबसूरत प्रयोग, I की जगह 0.5, A तार जो है वृत्ताकार परिक्षेप का होता है तो तार का क्षेत्रफल πr² AN 4×10^28 E 1.6×10^-19। कैलकुलेशन करते जा रहे बच्चों, 0.5 28 में 19 गए, 9 ऊपर गया, 16 × 5 = 5 और आगे देखो R 0.5×10^-3 का स्क्वायर। कह रहे बच्चों जैसा कि आप जान रहे हो 5×5 = 25, 0.5 = 2 बार होगा, 1 बार से कट जाएगा, 1 बार बचेगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन तेज करो, यहाँ ध्यान दो, ये 0.5 है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ पर जो है 0.5 है और यहाँ 0.5 की घात 2 है, तो 0.5 2 बार है, तो 1 बार कट गया, 1 बार बचा है, 1 बार वाला 0.5 का 6.4 में गुणा कर दो तो 64×5 = 320, 3.2×3² = 6, 10^6। यहाँ पर 9 में से 6 घट गया 3, 1×10^-3 = 3.2। थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन, 0.5 × 10^32 × 10^-3, ओके, तो 0.5 लगा देंगे 100 हो जाएगा, 32 × 96 = 4, 1× 10^-3, 3.1× 10^-4 मीटर पर सेकेंड, ये हम इसको लिख सकते हैं इतना बायलोज में।
ठीक है 3.2 गुणे 10^-4 एम्पियर। क्या ऐसे ध्यान देते रहिएगा कि ये 3.4 छूट गया है, यहाँ इसको लिखा रहने दीजिए 3.14 ये छूट गया था 3.14। तो बच्चों यहाँ अभी 3.4 का गुणा कर दें 10/32 3200 आज हासिल 12 32 कम 32 12 44 4 32 दियाई 96 4 100 दो अंक दशमलव गुणे 10^-3। देखो बच्चों अगर हम इसको एक दशमलव जो है यहाँ पर कर दें तो 10^-1 और कम हो जाएगी, यहाँ जो है दशमलव लगा के 10^-1 करें ऊपर जाए 10^-4 तो लगभग 1×10^-4 मीटर पर सेकंड ऐसे नियर अबाउट वैल्यू में इसकी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 एक तार में, सभी लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा तेज से चलेंगे, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2×10^28 प्रति घन मीटर है, मतलब ये यंग दिया हुआ है, तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग 1 cm/s है, धारा घनत्व की गणना करिए। प्यारे बच्चों जो जो दिया है राइट करते हैं खुद ही आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2×10^28 प्रति घन मीटर, तो ये यंग दिया हुआ है 2×10^28। सब शुद्ध डिपेंडेंट सवाल है, सूत्र में मान रखो तुरंत आंसर। तो अब यहाँ पर देखो जरा यंग दिया हुआ है अपवाह वेग 1 cm/s माने अनुगमन वेग दिया है 1 cm/s, इसको हम लिख सकते हैं 1×10^-2 m/s। कह रहा बेटा धारा घनत्व तो बताइए, धारा घनत्व तो का सूत्र बताना है, याद करो बेटा हम लोग BD बराबर सूत्र पढ़े हैं J/N (E), तुरंत इसी का मान लगा दें खर्च से आ जाएगा, तिरछा गुणा कर दीजिए, तिरछा गुणा J/VD(N)(E), सारे मान पता है, सूत्र डिपेंडेंट सवाल हो गए कि नहीं एकदम, तो मान रख करके तुरंत लगाएं, साथ में लगाते 1×10^-2 2×10^28 इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.4×10^-19 कैलकुलेशन करें खर्च से उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जरा आया ध्यान दो जरा 16 × 2 बेटा 10^6 चेक करो 19×2 = 21 28×21 है 7 और धारा घनत्व तो है तो एम्पीयर प्रति वर्ग मीटर के आंसर आ गया। अगला प्रश्न पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1×10^-7 वर्ग मीटर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2×10^28 प्रति घन मीटर है, तार में 3.2 एम्पीयर की धारा बह रही है, बताओ तार में धारा घनत्व का मान और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। ये सवाल बेटा 2010 में आई थी। प्यारे बच्चों सवाल शुद्ध डिपेंडेंट है इसलिए मेरे साथ जल्दी जल्दी लगाते रहो, जो जो दिया है लिख दे रहे हैं, सूत्र का प्रयोग करें खर्च से आ जाएगा। 65 सवाल है, तेज चलोगे तो जल्दी खत्म होगा। क्वेश्चन नंबर 11 साथ में लिखते चलो लगाते चलो। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1×10^-7 ए बराबर दिया है 1×10^-7 वर्ग मीटर, ए दिया हुआ लिख दिए, फिर कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2×10^28 मुक्त इलेक्ट्रॉन यंत्र से लिखे जाते हैं 2×10^28 प्रति घन मीटर, ऐसा प्रश्न ने दिया है और आगे कह रहा है बेटा कि तार में 3.2 एम्पीयर की धारा बह रही है, धारा I बराबर 3.2 एम्पीयर, और आगे ध्यान दीजिएगा तार में धारा घनत्व बताना है अनुगमन वेग, प्यारे बच्चों J का मान बताना है और साथ साथ BD बताना है, तो सब कुछ निकाल देते हैं, सूत्र डिपेंडेंट है दिखाई दे रहा है आपको, अपने आप लगाइए कैलकुलेशन करिए, J बराबर सूत्र क्या होता है I/A, तो मान रखते तुरंत मिटा दूंगा, नोट करते रहो I की जगह 3.2 A की जगह 1×10^-7 हल करेंगे
तो 3.2 गुणे 10^7 एम्पियर प्रति वर्ग मीटर मात्र जरूर ध्यान दिया करके। अनुगमन वेग का भी जो सूत्र लगाए थे वही लगा दे। अनुगमन वेग बेटा वीडी का सूत्र याद करो, अभी अभी लगाए थे। अनुगमन वेग का सूत्र जे अपार एन इंटू टी, मान लेते सबका बेटा अपने आप आंसर आ जाएगा। गौर से देखिएगा, जे जे की वैल्यू ये आई है 3.2 गुणे 10^7 नीचे एन इंटू टी। प्यारे बच्चों एन का मान 2 × 10^28, ई का मान 1.6 × 10^-19। प्यारे साथियों 3.2 × 10^7 नीचे देखिए 16 × 2 = 32, 3.2 × 28 = 19, 19 + 9 = 28, 10^9। प्यारे बच्चों ये घात कट गया, पूरा एक बार गया, 7 + 9 = -2 मीटर पर सेकेंड, मतलब अनुगमन वेग आ गया 1 × 10^-2 मीटर पर सेकेंड। प्रश्न नंबर 12 पढ़ता हूँ। 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के तार में 75 मिनट में 90 कूलम आवेश बहता है। यदि प्रति घन सेमी आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 × 10^24 हो तो बताओ वैद्युत धारा तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। थोड़ा सा बेटा टेक्निकल सवाल है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिटा करके लगा दे रहे हैं। जो जो दिया है राइट कर दे रहे हैं, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा ये टेक्निकल हो गई, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा इक्कीटी हो गए, ध्यान दीजिएगा। 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के तार में, तो व्यास दिया है तो व्यास का आधा त्रिज्या होगी आधा मीटर, मिलीमीटर दिया है तो 10^-3 लिख दिए। कह रहा था 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के तार में, मतलब त्रिज्या आधा मिलीमीटर, मिलीमीटर का मतलब 10^-3 मीटर, इज दैट ओके बेटा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 75 मिनट में 90 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो बेटा टाइम दिया है 75 मिनट, जिसको हम लिख सकते हैं 75 × 60 सेकेंड, 90 कूलम आवेश क्यों दिया है, 90 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। फिर कह रहा है कि तार के प्रति घन सेमी आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इधर देखो जरा, यहाँ पर टेक्निकल है, 5.8 × 10^22 प्रति घन सेमी दिया है ये, जबकि हमको प्रति घन मीटर चाहिए, तो इसको हम कैसे सही करेंगे, कैसे बदलेंगे, ये ध्यान दीजिए। देखो जरा, इसका मतलब हुआ 5.8 × 10^22 बटा सेंटीमीटर घात के, यही मतलब हुआ ना, तो सेंटीमीटर किधर है, नीचे डिनोमिनेटर में, हर में, तो नीचे ही बदलेगा 5.8 × 10^22, इसको हम लिख सकते हैं 10^-6 घन मीटर, 1 cm = 10^-6 cm, इज दैट क्लियर। अब ये ऊपर जाएगा तो 5.8 × 22 = 28 प्रति घन मीटर, देखा कैसे बदला बेटा, आप लोग भी इस चीज को ध्यान देना। तो आर दिया है, टी क्यू एल दिया है, इतना चीजें दिया है, हमसे जो जो पूछ रहा है हम बताते हैं आपको। विद्युत धारा पूछ रहा है और अनुगमन वेग पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है बेटा, विद्युत धारा पूछ रहा है और अनुगमन वेग पूछ रहा है। सावधानी पूर्वक लगाते हैं, पहले विद्युत धारा निकालते हैं। विद्युत धारा का सूत्र आप जानते हो क्यू और टी है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल फार्मूला क्यू अपॉन टी का प्रयोग, क्यू का मान बच्चों 90 कूलम और टी का मान 75 × 60। कैलकुलेशन करें, 30 × 90 = 30 × 60, 3/75 × 150, 3 × 3 = 1/50, 1 भाग दे दे 0.5 लगाओ 10 हो जाए, 0 × 100 = 50 × 20, ये हमारा क्या पता लग गया, विद्युत धारा का मान कितना आ गया, विद्युत धारा बेटा 0.02 एम्पियर। अभी हमको क्या बताना है, अनुगमन वेग, तो अनुगमन वेग निकालते हैं, इसके जस्ट बाद
अनुगमन वेग का सूत्र लगाते हैं। गौर से देखिए सभी लोग, अनुगमन वेग इस केस में, अनुगमन वेग VD बराबर क्या होता है, I अपान ए एन ई। इसी फार्मूले का प्रयोग करें, सब वैल्यूज रख दें, कैलकुलेशन करें, आंसर सूत्र डिपेंडेंट सवाल है इसलिए परेशान मत होइए। I आ चुका है 0.02, कैलकुलेशन स्टांग है ए पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एन पता लगा चुके हैं, 5.8 × 10^28, 1.6 × 10^-19। कैलकुलेशन थोड़ा लंबी है, 0.02 × देखो 28 × 19 गए, 9 ऊपर गया, पाई का मान 3.14, आर का मान 1/2 × 10^-3 आगे क्या बचा है, 5.8 × क्योंकि धाते ऊपर हो गई है, 0.02 को हम लिख सकते हैं, यहां पर देखिए इसको लिख दिए 2 × 10^-11, जो 2 अंक पे दशमलव था उसको 10^-2 पढ़ लिए। यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 4 से भाग हो जाएगा ना, तो 3.14 × 4 × 16, 4 बार गया, 4 × 32 = 4×5=20 और 3×23 और 10^3 का स्क्वायर 10^6 एनी डाउट बेटा। आगे देखो 2 से इसको काट दे रहे हैं, 1/3.14 2 से कटेगा 1.16 × 10^-5 और आगे देखिए पहाड़ा पड़िए इन दोनों का मतलब बुरा करके, तो चाहे 314 पहाड़ा पड़ लीजिए चाहे 116 का जो आपको अच्छा लगे, 314 का पहाड़ा पड़ रहे हैं, 314 × 1884 की 4 फासिला 188, 314 × 314 8×4=12, 8×1=9, 1×10 3×4=40 फासिला, 314 × 314 और 40 5.5 × 354 × 10^-5 2×4 × 10^ ओके। नीचे लगभग 3.5 है, दशमलव हटाओ तो 10/35 आ जाए, हटाओ तो 10/5 × 5 = 10, 5×7 = 2/7 तो 7 × 2 = 7.7 × 7 × 2 = 14 6 × 7 = 7 × 4 = 7 × 5 = 35 तो 2.9 × 10^-5 मतलब 2.9 × 10^-6 मीटर पर सेकेंड। आप समझ रहे हो लगभग में लिए हैं, कैलकुलेशन इजी करा जाता है, जल्दी से कैलकुलेशन आ जाए इसलिए ये सब अपनाया जाता है। प्रश्न नंबर 13, लोहे के एक छड़ की लंबाई 4 मीटर मतलब L बराबर दिया है तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेमी A दिया हुआ है, लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध 10×10^-6 ओम सेमी हो तो छड़ का प्रतिरोध बताओ। प्यारे बच्चों सूत्र डिपेंडेंट सवाले हैं इसलिए मेरे साथ ही समझते लगाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जो जो दिया है राइट कर रहे हैं, लोहे के छड़ की लंबाई 4 मीटर लंबाई दिया, इसका मतलब क्या लिख दें, L बराबर 4 मीटर, परिच्छेद क्षेत्रफल A का वैल्यू दिया हुआ है 2 वर्ग सेमी। जैसा कि आप जान रहे हो कि हम कैलकुलेशन करने के लिए हम के एस सिस्टम में यूज करते हैं, 2×10^-4 वर्ग मीटर ए बराबर है और विशिष्ट प्रतिरोध 10×10^-6 ओम सेमी, 10×10^-6 ओम सेमी। यहां पर थोड़ा दिमाग लगाइएगा, इसको हम लिख देंगे 10 गुणे
10^-8 ओम मीटर। चूंकि बेटा कैलकुलेशन हमारे हर जगह एम के एस रहने चाहिए। अब आगे हमसे कह रहा प्रतिरोध बताओ, तो आपको याद हो आ गया होगा प्रतिरोध का सूत्र रो एल अपान ए। तुरंत सूत्र का प्रयोग करें, सूत्र डिपेंडेंट सारी सवाल है, सूत्र मान रखिए, खत से आंसर। तो प्यारे बच्चों मान रख दो, रो 10^-8 एल की जगह 4, ए की जगह 2^-10^-4। कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन अपना अपना तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन का। 2^4 4 ऊपर गया प्लस 4, 4 × 5 8 + 5 गए माइनस 3, ये ओम। हमारे पास ये आंसर आ गया और सभी लोग देख रहे हो, बहुत सरल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14, 120 सेमी लंबे और 0.04 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 25 ओम है, तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध बताओ। प्यारे बच्चों जो जो दिया है लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जो कुछ दिया है राइट कर दे रहे हैं, सभी सवाल सूट डिपेंडेंट हैं। 120 सेमी लंबे, लंबाई दिया हुआ है 120 सेमी, 1.20 मीटर लिख दिए, दो अंक पे दशमलव लगा दिए, मीटर बन गया। 0.04 मिलीमीटर व्यास, प्यारे बच्चों 0.04 मिलीमीटर व्यास, तो हम जो है 2 से भाग देकर इसको त्रिज्या बना दिए, तो ये हो जाएगा 2^2 = 4, 2×10^3 = 5 -5 मीटर, ये आर दे दिया है। और आगे देखिए, तार का प्रतिरोध 25 ओम है, विशिष्ट प्रतिरोध बताओ। प्यारे बच्चों तार का प्रतिरोध 25 ओम दिया है, हमसे विशिष्ट प्रतिरोध पूछ रहा है। एडवांस विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र लगाएं, सारी वैल्यूज पुट अप कर दें। तो देखिए जरा, रो बराबर आर ए बाई एल, इसी सूत्र से आया है, आर बराबर रो या लपाल, तिरछा गुणा कर दो रो बराबर आर ए बाई एल। सबके मान रख दीजिए, सबका मान, आर की जगह 25, ए की जगह बच्चों ए की जगह पाई आर स्क्वायर, एल की जगह 1.20। कैलकुलेशन करें, अपने पास कैलकुलेशन के लिए नंबर रखे हुए हैं। रो बराबर 25×3.14 r² r कितना है बेटा 2×10^-5 का स्क्वायर बटे 1.20। याद ध्यान दीजिए जरा सभी लोग, ये दशमलव से ये दशमलव कट करते रहे हैं, 120 से इसको भाग दो, 120 × 2 = 240, 314 × 2 = 40 गए 74 है, दशमलव लगाए दे तो 740, 12×6 = 72, ऐसे ना आई बात, 2.6 × 2। और देखो कैलकुलेशन, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25×4 और 10^5 की स्क्वायर 10 × 10 = 10 ओम मीटर। ये बच्चों हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध का मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं, एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 1×10^-9 वर्ग मीटर है, लंबाई 0.30 मीटर है, प्रतिरोध 6 ओम है, विशिष्ट चालकता बताओ। तो जो जो दिया है बच्चों राइट कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, परिच्छेद क्षेत्रफल 1×10^-9 वर्ग मीटर और लंबाई 0.30 मीटर, स्मॉल एल 0.30 मीटर, और साथियों कह रहा है इसका प्रतिरोध 6 ओम है, प्रतिरोध 6 ओम, विशिष्ट चालकता बताओ।
ओके तो यहाँ देखो जरा विशिष्ट चालकता एक बटा रो होता है, आपको पता है? यस सर, पता है। और रो बराबर अभी क्या बताए थे? तो एक बटा रो बराबर पलट गया ना, वैल्यू रख दो हियर की जगह, एल की जगह 0.23, आर 6, ए 21, कैलकुलेशन है अपना स्टाइल, अपना स्टाइल देखो, 6.5 6 20, 9 ऊपर जाएगा प्लस 9, बस 2 अंक 0.9 में से 2 गए, महो प्रति से मीटर, ये इसका जो है। प्रश्न नंबर 16 पढ़ता हूं। 0.46 मिलीमीटर व्यास और 50×10⁻⁶ ओम सेमी विशिष्ट प्रतिरोध वाले तार से 10 ओम का कुंडल बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? प्यारे बच्चों, जो जो दिया है राइट करते हैं, जो कुछ दिया है लिख दे रहे हैं। 0.46 मिलीमीटर व्यास, तो व्यास दिया उसका आधा करके लिख दे रहे हैं, त्रिज्या 0.23 मिलीमीटर माने 10⁻³ मीटर, 46 व्यास था तो 23 त्रिज्या हो गई, 50×10⁻⁶ ओम सेमी विशिष्ट प्रतिरोध, 50×10⁻⁶ ओम सेमी। यहां भी देखो जरा, ओम को जरे का बदल बन करेंगे, बदल लिया भैया सेंटीमीटर, आप एका मीटर बदल दे भाई, ओम मीटर। एनी डाउट? हाँ, आगे देखिए जरा, 10 ओम का कुंडल बनाने के लिए प्रतिरोध 10 ओम दिया है, कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? हमसे लंबाई पूछ रहा है, तो सूत्र लगा दे रो या आर का, कट से आ जाएगा। आर बराबर रो एल अपान ए का प्रयोग करें, अपने को एल चाहिए, तो यहां ध्यान दीजिए जरा, एल बराबर त्रिज्या गुणा आर ए बाई रो, वैल्यू प्लग कर देंगे आंसर आ जाएगी, आर इंटू ए की जगह पाई आर स्क्वायर रो ऐसे लिखा रहेंगे। अब सबका मान ज्ञात है, रख दो सबका मान, आर बच्चों 10 ओम, पाई 3.14, आर का स्क्वायर 0.23×10⁻³ का होल स्क्वायर। नीचे देखो बच्चों, 50×10⁻⁶, कैलकुलेशन है अपना अपना स्टाइल है, करते हैं, ये जीरो से ये जीरो कट जाए, 23 सामने 529, तो 3.14×529, देखो ये दो घात इसमें शामिल कर दिए, ऋण दो घात इसमें, तो ऋण 3×2=5 स्क्वायर हो जाता हूं, ऋण 8 ऊपर जाए तो नीचे का बचा है 5, उसको भाग दे दें तो 5×30×529, 8 में से 2 गए, 10⁻²। अभी थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन कर दें, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 628 और 529 का, तो गुणा करोगे बेटा 332 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 0.10⁻², तो 2×10⁻³ मीटर, 3.32 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 100 माइक्रो ओम सेमी है, नाइक्रोम के 5 मीटर लंबे तथा 0.01
वर्ग श्रेणी परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा। जो जो यहाँ बेटा राइट करते हैं खुद ब खुद सवाल का आंसर आ जाएगा। जो जो दिया है राइट करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 17, नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रोम सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रोम सेमी, तो 100 गुणे 10^-6 ओम बन जाएगा, 10^-2 करेंगे तो मीटर, ओम मीटर, मतलब ये 1 × 10^-6 ओम मीटर। ये बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध आ गया, कैलकुलेशन है